स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मुझे कट अटैक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे बहुत से व्यूवर्स ये कहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। हम जब भी किसी गाड़ियों में लैपटॉप लगाते हैं या हमारे आम भाषा में कुछ शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे बहुत से व्यूअर्स ने कहा है कि हमें उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो आज हम उसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जब हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जैसे ओबीडी को क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है, CFC हो गए, नॉक्स हो गए, HPC, ECU, DCO और DPF, SCR, WG, TMOC और ये चीज़ें का फुल फॉर्म क्या होती है, आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट वर्ड है, अक्सर हमने सुनने को देखा होगा ओबीडी। ओबीडी का फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, यानी जहाँ पर हम जो हमारा फ्यूज बॉक्स होता है, हम लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए जो सॉकेट में हम लगाते हैं, उसी को ही ओबीडी बोलते हैं शॉर्ट भाषा में। तो कहीं भी आपको अगर फॉल कोड में या कोई आपको बोले ओबीडी कपलर में आप ये चीज़ चेक करिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। उसके बाद दूसरा अक्सर हमें हर जगह ये सब सुनने को और देखने को मिलता है CFC। इसका मतलब होता है कमिंस फ्यूल सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते होंगे हमारी टाटा गाड़ियों में दो तरीके के जो फ्यूल सिस्टम आते हैं, एक हमारा कमिंस कंपनी खुद बनाती है जो गाड़ियों में लगा के देते हैं, दूसरा हमारा बॉस कंपनी का होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके भाई फ्यूल सिस्टम कौन सा है, तो आप शॉर्ट भाषा में CFS के बोल देंगे तो समझ जाएंगे कि भाई हमारा कमिंस का फ्यूल सिस्टम है। नॉक्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, हम गाड़ियों में नॉक्स कम करने के लिए हम इतनी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी ये HPCR लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होता है हाई प्रेशर कॉमन रेल, ठीक है। आपने ECU और ECM भी बहुत ही सुना होगा, इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, यानी जो इलेक्ट्रिक से किसी चीज़ को कंट्रोल करता हो वो वाला यूनिट है जिसे हम ECM बोलेंगे। छठे नंबर पे आपने सुना ही होगा DOC, जिसका फुल फॉर्म हो गई डीजल ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारा ATS होता है, ATS आप सभी जानते ही हैं, जो हमारा BS6 का साइलेंसर होता है उसे ATS बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होगी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ATS की फुल फॉर्म जो होगी वो भी हम आगे इसमें भी बात करेंगे। तो वो हमारा चार भागों में होता है, जो फर्स्ट भाग होता है जहाँ से धुआं अंदर आता है वहीं पे हमारा DOC लगा होता है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे हम DPF बोलते हैं, डीजल पार्टिकल फिल्टर, जो हमारा PM को रोकता है, यानी जो हमारा इंजन में से एक राख टाइप की काला काला पार्टिकल आता है उसको ही डीजल पार्टिकल फिल्टर बोलते हैं, जो उसको रोकता है। हमारा रीजनरेशन भी इसी में ही होता है, इसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हमारे DP सेंसर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है SCR, ये भी हमारा ATS में ही लगता है, सबसे लास्ट वाला भाग होता है जो चार टुकड़ों में होता है। पहला हमारा DOC हो गया, दूसरा हमारा DPF हो गया, तीसरा हमारा मिक्सर चैम्बर है, चौथा हमारा SCR लगता है। SCR का मतलब होता है सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। अगर आपको कहीं पे भी WG लिखा हुआ मिले किसी फॉल कोड में कहीं पे भी, उसका मतलब होता है वेस्ट गेट। वेस्ट गेट से आप समझ ही रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर वेस्ट बाहर निकालना होगा तो उसको वेस्ट गेट बोलेंगे। TM भी आपने अक्सर सुना होगा फॉल कोडों में, खासकर टाटा की गाड़ियों में जब भी हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो हमें TM लिखा हुआ अक्सर मिलता है। वेस्ट गेट का भी GW आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है थर्मल मैनेजमेंट। थर्मल मैनेजमेंट से हमें समझ में आ रहा है जहाँ पर भी हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो सिस्टम लगाएंगे उसी को ही थर्मल मैनेजमेंट बोलेंगे। 11वां जो हमें अक्सर देखने का मिलता है वो है OC। ओ का मतलब है ऑयल और सी का मतलब हो गया कंजम्पशन, यानी
किसी भी गाड़ी में अगर आपको कोई ये पूछे कि गाड़ी में ओसी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी में ऑयल खाने की प्रॉब्लम है क्या, उसी को ही शॉर्ट भाषा में ओसी कहते हैं। कई बार हम टाटा गाड़ी में लैपटॉप जब कनेक्ट करते हैं, हमें वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है RPS की वायरिंग चेक कीजिए या सेंसर चेक कीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, R का मतलब अगर रेल, P का मतलब प्रेशर और S का मतलब सेंसर। तो इसकी फुल फॉर्म होगी रेल प्रेशर सेंसर 11। जो आपको अक्सर शॉर्ट वर्ड देखने को मिलेगा EGTS, इसकी फुल फॉर्म होगी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। तो एग्जॉस्ट गैस हमारा कौन सा हो गया जो हमारे इंजन में से बाहर निकलेगा, और वहाँ का एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर सेंसर, यानी जो हमारे साइलेंसर के ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगेंगे, उसी को ही हम शॉर्ट भाषा में EGTS एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं। दूसरा अक्सर आपने चौथा देखा ही सुना ही होगा, इसके ऊपर काम भी करा होगा, ETV। तो इसको भी शॉर्ट भाषा में ETV बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होगी एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल। तो ये 14 वो हो गए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए आप याद करने के लिए कि आपको यह भाषा समझ में आनी चाहिए। अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या होता है। चलिए अब हम आगे के भी और जो शब्द हैं वो भी ले लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पांचवा शॉर्ट वर्ड वर्ड है वो है हमारा IAT, यानी इंटेक एयर थ्रोटल। ये भी BS6 गाड़ियों में आपने जो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड होता है वहाँ पर ही ETV वाल जैसा वो देखा होगा, उसको उसी को हम IAT बोलते हैं। 16 नंबर पे हमारा आता है EMP, इसको बोलते हैं एग्जस्ट मैनिफोल्ड सेंसर, एग्जस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर आएगा, एग्जस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर। ओके, एग्जस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर ये हमारा कहाँ पर लगा होता है, BS6 गाड़ियों में जहाँ से हमारा इंजन में से धुआं निकलता है वहीं पे ही एक पाइप लगाता है और थोड़ा सा घूम का पाइप लगाता है और वहाँ पर सेंसर लगता है जिसे EMP सेंसर बोलते हैं। यानी हमारे इंजन में से जो धुआं निकल रहा है उसका प्रेशर क्या है, उसको EMPS वो लगा देंगे तो इसके आगे तो सेंसर हो जाएगा, तो EMP ही बोलते हैं उसे, एग्जस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर। चौथा आपको टाटा गाड़ियों में अक्सर ये चीज़ देखने को मिली होगी WGT, इसका मतलब होता है वेस्ट गेट। यहाँ पर हमने देखा भी था कहीं पे सिर्फ WG का मतलब वेस्ट गेट हो गया, अगर आपको WGT दिखाई दे तो इसका मतलब होगा वेस्ट गेट, कहाँ का, टर्बो चार्जर का। तो ये WGT वेस्ट गेट टर्बो चार्जर का हो गया। EGR का नाम आपने सभी ने सुना ही होगा, EGR पे आपने काम भी करा होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी जो हमारे एग्जॉस्ट गैस है उसको दोबारा से हम रिसर्कुलेशन करते हैं, इसलिए उसे हमें EGR बोलते हैं। 1900 नंबर पे हमारा आता है LPP, यानी लो प्रेशर पंप। आप सभी जानते ही होंगे जो हमारा BS4 गाड़ी और BS6 गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर हमारे पंप में ही दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक को हम लो प्रेशर पंप बोलते हैं, एक को हम हाई प्रेशर पंप बोलते हैं। लो प्रेशर पंप कौन सा आता है, जो हमारी टैंक में से लाइन आएगी वो डायरेक्ट हमारे पंप में लगती है, पंप में से निकल के फिल्टर में जाती है, फिल्टर में से फिर हमारे दोबारा पंप में जाती है। तो जो हमारे टैंक में से पहले पंप में आएगा वो हमारा लो प्रेशर हो गया, और फिल्टर में से होके फिर दोबारा जो हमारा पंप के अंदर जाएगा वो हमारा हाई प्रेशर हो गया, तो उसको LLP बोलते हैं, लो प्रेशर फ्यूल। EF का मतलब भी आप अक्सर ही आप सब जानते ही होंगे, फ्यूल इकोनॉमी हो गया, EF के ऊपर जो हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। 21 नंबर पर हमारा PM है, यानी पर्टिकुलर मैटर, जो हमारे इंजन में से वो काले कलर की राख टाइप की निकलती है उसी को हम PM बोलते हैं।
टाटा गाड़ियों में फालकोड़ में काम करते टाइम अक्सर आपने फालकोड़ों में ये UQS देखा हुआ पढ़ा होगा। इसका मतलब तो यूरिया क्वालिटी सेंसर। तो कभी भी अगर आपको आप दोबारा ये चीज़ दिखाई दे UQS का मतलब, वो ये बोल देंगे कि इसकी वायरिंग चेक करो, तो वहाँ पर पूरे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, उसका मतलब हो गया यूरिया क्वालिटी सेंसर। और DU का मतलब होता है डोजर यूनिट, SU का मतलब सप्लाई यूनिट। आपने अक्सर DCU का नाम भी सुना ही होगा टाटा गाड़ियों में काम करते हुए, तो इशू की तरह ही ये भी सेम वही होता है, प्रोग्रामिंग अलग होती है इसमें बस, तो इसको बोलते हैं डोजर कंट्रोल यूनिट। अक्सर आपने BS6 गाड़ियों में ये वर्ड देखा ही होगा HEST, इसका मतलब होता है H का मतलब हाई, E का मतलब एग्जॉस्ट, S का मतलब सिस्टम टेम्परेचर, यानी हाई एग्जॉस्ट सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसी को EST बोलते हैं। जब हमारा गाड़ी में रीजनरेशन होता है, एक लाल कलर की लाइट भी आती है उसी को ही हम HEST लाइट बोलते हैं। 27वें नंबर पे हमारा आता है ATS, यानी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो हमारा BS6 का साइलेंसर होता है उसको ही आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में उसे ATS भी बोल देते हैं। 8वें नंबर पे हमारा आता है SPT, यानी एशिया परफॉर्मर टेस्ट। तो ये वर्ड आपको थोड़ा से याद होने चाहिए। मान लिए मैं किसी टॉपिक पे पढ़ा रहा हूँ, आपको ये बताऊँ मैं कि आप उस पर SPT करके देखिए उसकी गाड़ी का क्या परफॉर्मर रहता क्या है, तो उसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, वो SCR परफॉर्मर टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे हो चुके हैं, इसमें और कुछ रहा के नहीं रहा है, एक रह गया है हमारा 29 पे आएगा हमारा APPS। ये भी अक्सर आपने देखा होगा टाटा गाड़ियों में, जब भी लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो अक्सर हमें ये वर्ड देखने को मिलता है। और कुछ चलिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा, अगर आपको और कोई भी चीज़ें देखनी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हम बता देंगे। इसका जो फुल फॉर्म होगी 29 नंबर की APPS की, का मतलब तो हो गया हमारा एक्सीलेटर। एक्सीलेटर पी का दूसरा एक पी का मतलब हो गया पैडल, और हमारा उसका दूसरे पी का मतलब हो गया पोजीशन। और एस का मतलब हो गया सेंसर, यानी एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर। अक्सर टाटा गाड़ी में आपको ये इतना लंबा वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, आपको खाली APPS लिखा हुआ मिलेगा कि इसकी वायरिंग चेक कीजिए या सेंसर चेक कीजिए, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा है। तो अब आई होप दोबारा कभी ऐसा आपको देखा गया तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये एक्सीलेटर पैडल सेंसर के बारे में बता रहे हैं। अगर फिर वैसे तो हमने लगभग सभी ले लिए हैं, फिर भी अगर कुछ दिमाग से कोई शॉर्ट वर्ड निकल रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देने की। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।